लिंक होगा। यदा मतलब यह है कि 40 मिनट्स बाद जो तो क्लास खत्म होगी अपना बंद हो जाता है तो उस लिंक पर तुम क्लिक करो अपना एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कोई पासवर्ड वगैरह कोई मैंने दोबारा जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, उस लिंक पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर? कल ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग सारे क्लियर है? कल अपन ने ट्रांसफॉर्मर किया टॉपिक, ठीक है, एसी ते वर्क करूंगा, स्टेप अप वास्ते होगा, स्टेप डाउन वास्ते होगा, किस ते डिपेंड करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स ते, केड़ी टर्न्स, सेकेंडरी साइड दे टर्न्स। तो एक प्राइमरी साइड है, एक सेकेंडरी साइड है। हुण एडी करंट्स ते जिहड़े लॉसिस कट करने सी उहदे वास्ते आपां दो मैथड यूज करते हैं। रीजन की है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज अपना यूज बहुत ज़्यादा होना है। ठीक है, तो प्राइमरी साइड पे आपने एसी सप्लाई देती, सेकेंडरी साइड पे आपने की करता, लोड कनेक्ट करता। एन वन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड, एन टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड। जे सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा ने तो यह स्टेप अप होगा, जे सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स घट ने तो यह स्टेप डाउन कर दो। तो वोल्टेज वधा सकते हैं, वोल्टेज घटा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर, एंड यह सिर्फ एसी पे वर्क करूँ ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, प्राइमरी साइड की करूँ, फ्लक्स प्रोड्यूस करूँ, करंट चेंज हो, फ्लक्स प्रोड्यूस हो, यही फ्लक्स सॉफ्ट आयरन कॉयल चो पास होंदे होंदे सेकेंडरी साइड पे जाके करंट प्रोड्यूस करूँगा। तो आई वन तो आप आई टू लेके जाना है विद द हेल्प ऑफ फ्लक्स चेंज, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज करते हैं आप? फॉर द पर्पज बिकॉज हाई परमेबिलिटी, तो वह मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स में खुद के विचों पास होना अलाउ करेगा। ट्रांसफॉर्मर का लॉजिक सारे क्लीयर से कल भी यस नो करके बोल दो। होप थोड़े माइक म्यूक चल रहे हैं एंड देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू स्पीक। तो इस तो नेक्स्ट टॉपिक आंदा आपके को ट्रांसफॉर्मर तो बाद ट्रांसफॉर्मर दे लॉसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपने को है लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। मैं पहला दस दिना बच्चों, कल तो मैं चाहे कल एक दिन का तुम ऑफ ले लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट पॉइंट ये है कि जेड़ा 4B चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट दा मैं सारी थ्योरी ता नहीं मैथमेटिकल पार्ट रिपीट करूँगा एक सिंगल शॉट दे विच, जिवें मैनू खुद नू याद है चैप्टर। जे कंटिन्यूटी चलांगे तो याद हो जू, समझ आ जू की होगा, अपने 2 या 3 या 4 क्लासा मैक्सिमम लगनियाँ। बट जे आपां उसनू ऐं छड़ दिंदे आ, मतलब एक टॉपिक समझ आ गया ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझ आ गया ठीक है, जे इकट्ठा नहीं करते तो वह चीज़ा नहीं याद रहनियाँ। उस बहुत उलझमा होंगे कि एवरेज कितने है, RMS कितने है, वैल्यू की लेना है, की लेना, की चार्जिंग, की डिस्चार्जिंग, नहीं याद रहता। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, अपने टाइम मैंने भी नहीं याद रहता सी। इसे परपजली मैं की कर रहा सो दैट तू चीज़ याद रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपने को लॉस इज इन ट्रांसफॉर्मर। सब तो पहला लॉस आऊ कॉपर लॉस। सब तो पहला लॉस कहड़ा होगा अपने को कॉपर लॉस। हूँ ट्रांसफॉर्मर दे विच अपने को याद करना है तुसी जेड़ी आह वायरिंग होंगी है, वाइंडिंग होंगी है, ये होंगी बनी होंगी है कॉपर दी। जो अपने को आ चीज़ होंगी है अंदर वाली, ये होंगी है सॉफ्ट आयरन की। ये विच एडी करंट्स नू किवें रिड्यूस करते हैं? पहला मैथड, इदियां थिन शीट्स कट के लैमीनेट कर देने ने। दूजा मैथड, उस तू पाथ नू इनक्रीज कर देने, आ पाथ इनक्रीज करता। पाथ इनक्रीज करना कि रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, करंट घट जाता है, तो की हो जाता है अपने को एडी करंट का लॉस घट जाता है, लॉस ऑफ वेस्टेज घट हो। हूँ कॉपर का की चीज़ बनी हुई है? कॉपर की वायरिंग बनी हुई है, वाइंडिंग बनी हुई है। तो जेड़ा लॉस वाइंडिंग च होगा उसको कहेंगे कॉपर लॉस। क्यों होगा? क्योंकि जी हीट डिवेल्प होंगी है वो होंगी है I²RT। जिन्ना भी करंट ज़्यादा पास करूँ ऑटोमैटिकली इस हीट प्रोड्यूस हो, यह जी हीट वायरिंग च प्रोड्यूस हो उसको आप कहेंगे कॉपर लॉस। ठीक है, तो यह होगा अपने को दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन कॉपर वायर्स एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन इट इज
एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ध्यान रखना है जो ओदा नाम है वही ओदी एप्लीकेशन है। कॉपर वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉपर का की बने हुआ है, वायरिंग बनी हुई है, तो वायरिंग दे विच जो लॉस होगा उसमें आप कहेंगे कॉपर लॉस। फिर आज वर्ड आज आयरन लॉस, आयरन लॉस केड़ा है जेड़ा आयरन वाला है, ये आयरन है केड़े वाला जेड़ा अपने को शीट बनी हुई है, ठीक है थिन शीट्स ना है वो अपने को कोर कहने हैं वर्ड, दैट ए पर्टिकुलर वर्ड इज कॉल्ड कोर, तो उसमें कोर लॉस भी कह सकते हैं, उसमें आप आयरन लॉस भी कह सकते हैं, इको गल है ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड अपने को लॉस आ जाऊगा आयरन लॉस, तो आयरन का की बने हुआ है कोर बनी हुई है, तो जेड़ा लॉस आयरन कोर दे विच होगा वो होगा अपने को आयरन लॉस ठीक है। तो हीट हाँ दूसरी चीज इस सॉफ्ट आयरन पीस दे विच केड़ा करंट प्रोड्यूस होंगे एडी करंट, तो यह जो लॉस होगा केड़े करंट के कारण होगा एडी करंट लॉसिस के कारण होगा, तो अपने को आ जाऊगा दिस लॉस टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट प्रोड्यूस्ड इन, किस प्रोड्यूस होंगी है कोर मेड अप ऑफ आयरन भी कह सकते हैं, सॉफ्ट आयरन लिखांगे कोर सॉफ्ट आयरन ठीक है, ड्यू टू एडी करंट्स, ड्यू टू एडी करंट्स ठीक है। बस सिंपल फॉर्मूला हुई होगा एच इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी, बट इतने जो करंट होगा दैट वुड बी ऑफ एडी करंट, ये ध्यान रखना है। तो जेड़ा लॉस आयरन दे विच होगा उसनों आयरन लॉस कहांगे, जेड़ा लॉस वायरिंग दे विच होगा उसनों कॉपर लॉस कह देंगे। क्लियर सारे नु? तो नेक्स्ट अपने को ला जाऊगा लीकेज ऑफ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हुण लॉजिकली इसनों कॉमन सेंस से यूज करो कि जदों अपने कोल प्राइमरी साइड ते फ्लक्स जनरेट होगी कि सारी दी सारी फ्लक्स उस सॉफ्ट आयरन च पास होगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, आइडियल केस च होगी पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट करते हैं, बट प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लॉस होंगे ठीक है। तो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लॉस होंगे तो एक साइड तो जिनी फ्लक्स प्रोड्यूस होगी थोड़ी जी बिल्कुल माइन्यूट जी बाहर लॉस हो जूगी और बॉडी चली जूगी, बाकी सारी पास होगी अपने कोल किदे विच्चों आयरन दे पीस चो ठीक है। तो उही लीकेज है अपने कोल जेडी बाहर निकलूगी, तो क्यों होगा दिस इज ड्यू टू स्टेटमेंट लिख लो, दिस इज ड्यू टू रिजेक्शन, मतलब पास नहीं होता, रिजेक्शन ऑफ वेरी फ्यू मैग्नेटिक लाइंस of force to pass through iron plate, to pass through iron core कह सकते हैं आप, प्लेट कह लो कोर कह लो एक गल है कि जेडिया लाइन आयरन कोर चो पास नहीं हुई कारण अपने कुल की हो गया, अपने कुल हो गया लॉस हो गया। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आ जाता वी हैव हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस की होगा पता ही है जो आप कंटीन्यूसली मैगनेटाइज तो डीमैगनेटाइज करते हैं, आई एच का ग्राफ है ये माइनस आई माइनस एच, जो आप बॉडी नू किसी भी बॉडी नू सोलेनॉइड्स प्लेस करके कंटीन्यूसली मैगनेटाइज तो डीमैगनेटाइज करा तो उसके कारण जो लॉस होगा वह कि होगा हिस्टेरेसिस लॉस, तो की होंगे अपने को हीट produced due to continuous magnetizing and demagnetizing of soft iron plate या iron plate, तो इसके कारण जेड़ा हीट प्रोड्यूस हो जेड़ा लॉस हो उसनों आप वर्ड यूज करांगे हिस्टेरेसिस लॉस। क्लियर सारियां नूं? पांच टाइप के लॉस ने, पहला अपने कोल कॉपर हो गया, दूजा अपने कोल आयरन हो गया, तीजा अपने कोल लीकेज होगी मैगनेटिक फ्लक्स की, चौथा अपने कोल हो गया हिस्टेरेसिस लॉस हो गया, फिफ्थ अपने कोल केड़ा हो जूगा मैगनेटो ट्रिक्शन वर्ड है। हुण
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਓਵਰਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੇਮ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਿੰਗ ਲਾਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਹਮਿੰਗ ਲਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਨਰਜੀ ਲਾਸ ਡਿਊ ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੋਸ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਮਿੰਗ ਲੋਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਗਨੈਟੋਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ 5 ਟਾਈਪਸ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਲੋਸ, ਜੋ ਵਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਾਪਰ ਲੋਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਆਇਰਨ ਲੋਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਕੇਜ ਹੋਊਗੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਲੀਕੇਜ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਡੀਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿਸਟੈਰੇਸਿਸ ਲੋਸ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਗਨੈਟੋਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਿੰਗ ਲੋਸ। ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਚਾਹੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਪ੍ਰੈਫਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ ਉੱਪਰਲੇ, ਲੋਸਿਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਚਰਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਏਕਮ, ਅਰਪਨ, ਚਲੋ ਗੁੱਡ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਿਰਫ AC 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੂ, DC 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਕਸ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ DC ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਫਲਕਸ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋਊ। AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਜੇ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕਾਂਟ ਵਰਕ ਇਨ DC, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ DC ਡੋਂਟ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਲਕਸ ਡਜ਼ਨਟ ਚੇਂਜ, ਜੇ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸੋ ਐਂਡ ਨੋ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਪੁੱਟ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਿਰਫ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਰੰਟ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਪਾਵਰ ਕੰਜਪਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਇਲੇਟ conservation of energy principle, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਓਨਲੀ ਚੇਂਜਿਸ
वोल्टेज एंड करंट, बट पावर रिमेन्स सेम। ठीक है, बट पावर की रहती हमेशा सेम रहती है, सिर्फ ये करंट नू ते वोल्टेज नू ही चेंज करूँगा। तब पावर सेम है तो कोई भी अपने को एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल दी वायलेशन नहीं हो रही। थर्ड पॉइंट अपने को की बनता है ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी नू चेंज नहीं करता। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मर डजंट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। द ट्रांसफॉर्मर डजंट चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एसी दी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करूंगा। जिन्नी अपने को फ्रीक्वेंसी होगी उन्नी ही फ्रीक्वेंसी रखोगी। एसी अपन ने सप्लाई देनी है, एसी ही आउटपुट मिलेगी। तो एक नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने पहला दसिया सी कि जेड़ा अपने कोल ओएल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर हुंदा उहदा काम की हुंदा है। ये थोड़े कंसेप्ट क्वेश्चन है सारे। ओएल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ठीक है, प्रोवाइड्स कूलिंग टू द सॉफ्ट आयरन कोर। एक कूलिंग प्रोवाइड करता है, एक यह इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स द इंसुलेशन। ठीक है, टू द आयरन प्लेट्स। तो एक प्रोवाइड करूंगा कूलिंग, दूसरी चीज ये प्रोवाइड की करूंगा इंसुलेशन। तो आपने को चार नोट करके पॉइंट्स ने नोट कर लो सारे, आज तो वैसे छोटा यही है। आज तो मे भी जल्दी वेले हो जाओगे, छोटा ही है टॉपिक, कोई लेंथी है नहीं टॉपिक अपने को। आज नोट करके मैनू कंफर्म करो। एंड नाला नोट करी चलो, चरण हैज कंप्लीटेड टू राइट इट डाउन, बाकी भी नोट करके कंफर्म करो। चलो गुड, आई एम एक्सपेक्टिंग बाकी सारे नोट कर ले हुए बच्चे। तो नेक्स्ट आपने को लिखो है चौक कॉयल। हुन अज दी डेट च तो अपने को ट्यूब्स दूजी इलेक्ट्रॉनिक आ रही ने, बट पहला अपने को सिंपल ट्यूब्स होंदिया सीगिया। ठीक है, उस दे विच आपां यूज करते होंदे सी चौक, यूज करते होंदे सी, याद करो पुरानी ट्यूब्स दे विच चौक कॉयल यूज होंदे सी। चौक कॉयल की है, एक अपने को इंडक्टर है, ठीक है, इंडक्टर दी कॉयल है जो कि काम करती है, इक्केदम करंट नू इनक्रीज नहीं होने दिंदी जदों आपां स्विच ऑन करते हैं। तो हौली हौली इनक्रीज होंदा करंट ट्यूब दे विच, एंड ट्यूब फुकदी नहीं है, ट्यूब खराब नहीं होंदी उस नाल। ठीक है, सिंपल है, लिख लो। बट इस दी पावर कंजप्शन जीरो है, सिर्फ करंट नू स्लो डाउन करती है। ठीक है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिक्रीज द एसी करंट इन द सर्किट। द एसी करंट सर्किट नु की करूंगी, डिक्रीज करूंगी। ठीक है, इट इज बेसिकली एन इंडक्टर कॉयल की है, एक इंडक्टर कॉयल है कनेक्टेड इन सीरीज विद इंस्ट्रूमेंट। सिंपल, तो अपने कोल की एक इंडक्टर कॉयल है, याद करो
ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂਗਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਅਚਾਨਕ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਇੰਡਕਟਰ ਕੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਜ਼ੀਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਪਾਵਰ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਪਣੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਅਕਰੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰੰਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਆਈ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਬਾਏ ਐਕਸਲ। ਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਰ ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੈ। ਚਾਈ ਐਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੂ, ਜੋ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੂ ਵਿਦਆਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀ ਪਾਵਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਟਰੀ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਏ ਇੰਡਕਟਰ ਇਜ਼, ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਬਾਏ ਇੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ 'ਚ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 90 ਡਿਗਰੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਚੌਕ ਕੋਇਲ ਹੋਊਗੀ ਖੁਦ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੂ, ਵੇਸਟ ਕਰੂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰੰਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੂ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਲ ਇੰਡਕਟਰਸ ਹੈਵ ਸਮ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਹਰੇਕ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੰਟ ਬਿਕਮਸ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਈ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਈ ਵੀ ਬਾਏ ਜ਼ੈੱਡ। ਤਾਂ ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਅੰਡਰੂਡ ਆਫ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਚਾਈ ਐਲ ਸਕੇਅਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਚਾਈ ਐਲ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਜ਼ੈੱਡ ਹੈ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਫਾਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਹੋਜੂਗਾ, ਜ਼ੈੱਡ। ਜ਼ੈੱਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ। ਜ਼ੈੱਡ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟੋਟਲ ਇੰਪੀਡੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਸਰਕਿਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੈਪੈਸਿਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਔਰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ। ਸਿੰਪਲ, ਕਲੀਅਰ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਾਸ। ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਬੱਚੇ? ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਜਸਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਜੂਗੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਚੋਕ ਕੋਇਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਜੂ ਏ ਐਫ ਟਾਈਪ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਜੂ ਆਰ ਐਫ ਚੋਕ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਜੂ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਜੂ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਜੂ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੌਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਸੀ, ਉਸਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਂ ਚਾਈ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਲ ਇੰਟੂ ਓਮੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਲ ਇੰਟੂ 2 ਪਾਈ ਇੰਟੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਚਾਈ ਐਲ ਕਿਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 'ਤੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਇੰਡਕਟਿਵ ਰਿਐਕਟੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦੀ ਚਾਈ ਐਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂ। ਸੋ ਫਾਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਤਾ, ਐਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂ, ਜੇ ਐਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਚਾਈ ਐਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਲਿੰਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਚਾਈ ਐਲ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਲਾਰਜ। ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਵਾਧੂ ਚ ਚਾਈ ਐਲ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਿਟ, ਟੂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਸਰਕਿਟ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਇਲ, ਸੋਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਚੌਕ। ਤਾਂ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੋਫਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੀਸ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋ ਚਾਈ ਐਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਘੱਟ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਡੀਓ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਰੇਡੀਓ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਐਫ ਚੌਕ, ਅਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਨਫ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਕ ਕੋਇਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਫਟ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ, ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫਟ ਆਇਰਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜਡ ਵੈਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਏਸੀ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਮੋਰ। ਸੋ ਇਸ 'ਚ ਚਾਈ ਐਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਚਾਈ ਐਲ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ, ਸੋ ਨੋ ਨੀਡ ਆਫ ਸੋਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਇਟ। ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਐਫ ਚੌਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈ ਐਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲ ਇੰਟੂ ਓਮੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਐਲ ਇੰਟੂ 2 ਪਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਚਾਈ ਐਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਤਾਂ ਚਾਈ ਐਲ ਵੱਧ ਜੂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਫਟ ਆਇਰਨ ਕੋਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੌਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੰਪਲ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਈਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ।
ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਪਾਵਰ ਆਫ ₹10,000 ਇਜ ਸਪਲਾਈਡ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ठीक है, 50 टर्न्स एट 440 वोल्ट एट प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड पे क्या है, 50 टर्न्स ने 440 वोल्ट है। एट सेकेंडरी साइड अपन नु गिवन है 250 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो कैपिटल एन लवेंगे, स्मॉल एन नहीं लेना इतने, कैपिटल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट करंट इन प्राइमरी साइड। ठीक है, तो करंट फाइंड करना है प्राइमरी साइड पे। उपला होप सारे ना नोट हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नो देख लो। अपने प्राइमरी साइड से करंट फाइंड करना है, सेकेंडरी साइड से वोल्टेज से करंट फाइंड करना है। सेकंड पार्ट वोल्टेज एंड करंट ऑन सेकेंडरी साइड इफ एफिशिएंसी इज 100%, मतलब 100% एफिशिएंसी है फिर अपने को सेकेंडरी साइड से वोल्टेज कितनी होगी एंड करंट कितना होगा। क्वेश्चन सिंपल है। सब तो पहले अपने देखना है कि अपने कोल डायग्राम ही ड्रॉ कर लो यार, सब तो इजी तरीका है, कोई फॉर्मूला सोचने की जरूरत नहीं पैंती। इस प्राइमरी साइड से कितनी है, 440 वोल्ट है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स ने प्राइमरी साइड से, अपने को नंबर ऑफ टर्न्स ने 50। सेकेंडरी साइड से कितनी है, 250, एफिशिएंसी 100% है, इतने वोल्टेज फाइंड करनी है। वी टू कह लो, ई टू कह लो, इको कह लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इतने अपने को वी वन किन्ना है 440, तो वी टू फाइंड करनी है। डायग्राम से देख लो, वैसे तो अपने को होंगेगा वी टू बाय वी वन की देख हों, मतलब वोल्टेज डिपेंड करती होंगी है नंबर ऑफ टर्न्स से। तो वी टू बाय वी वन की हो जाओ अपने को एन टू बाय एन वन। तो अपने को हो जूगा एन टू बाय एन वन हो जूगा, केड़ी चीज़ हो जूगी, वी टू बाय वी वन। एन टू किन्ना अपने को 250, एन वन किन्ना 50। वी टू अपने फाइंड करना है, वी वन किन्ना अपने को, वी वन इज 440 इज इक्वल टू 250 बाय 50, किन्ना आ गया 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, वी टू किन्ना हो जूगा 440 इंटू 5, ये किन्ना हो जूगा अपने को 2200 वोल्ट आ जूगा। ठीक है, तो वी टू कितना आ गया सेकेंडरी साइड से वोल्टेज कितनी आ गई 2200 वोल्ट। क्लियर, हुण वी टू आ गया, वी टू क्लियर सारे नू। हुण पहला करंट इन प्राइमरी साइड कटांगे, फिर करंट इन सेकेंडरी साइड कर लो सेम फॉर्मूला यूज करके। तब प्राइमरी साइड से वोल्टेज कितनी है अपने को, प्राइमरी साइड से पावर कितनी है 10,000 वॉट। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई। तो 10,000 की देख कुल है वोल्टेज कितनी है 440 इंटू करंट। तो करंट प्राइमरी साइड से आ जाऊगा 10,000 डिवाइड बाय 440, देख लियो करंट एम्पेयर दे विच जिन्ना भी वैल्यू होगी दैट वुड बी वैल्यू ऑफ करंट इन द प्राइमरी साइड। ठीक है, सिमिलरली सब तो होर ईजी करते हैं आप, फाइनल भी अपने को पावर कितनी है 10,000 है, बिकॉज 100% एफिशिएंसी है। तो 10,000 वॉट दी वी आई हो जूगा, वोल्टेज कितनी हो जू, ये वोल्टेज होगी 2200 इंटू करंट। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, तो करंट कितना हो जूगा 10,000 बाय 2200
ठीक है, इसनों सॉल्व कर लियो, जो भी थोड़ा आंसर होगा। इस नाल अपना चैप्टर हो गया फिनिश। हूँ ये वैसे मेरे अपने आप ही वीडियो बंद हो जाऊगी क्योंकि 1 मिनट तो लेस रह गया। आई डोंट थिंक सो, इस कन्फ्यूजन होनी चाहिए, इजी है चीज़ें। जो भी वैल्यू आती है तुम देख लो कैलकुलेटर तो सॉल्व करके। ठीक है, सारे नु क्लियर, लॉजिक क्लियर सारे नु, जिवें मर्जी कर सकते आप। बस ये ध्यान रखना है वोल्टेज डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स से, वी इज प्रोपोर्शनल टू एन।